इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। और कितना इंतजार करवाएंगी समधन जी, जल्दी से बुलाइए ना हमारी होने वाली बहू रानी। हाँ हाँ अशोक जी, बुलाइए ना जी। गीता, जल्दी से विनीता को लेकर आओ। और ये सोनू कहाँ रह गया? जी सोनू विनीता के ही साथ है, मैं अभी विनीता को लेकर आती हूँ। ऐसा तैयार किया है मैंने तुझे कि तेरे होने वाले पति के तो होश ही उड़ जाएंगे। वैसे फिर भी तू मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लग सकती। रहने दे तो। क्या रहने दे? सच्ची बोल रहा हूँ, तू मुझसे अच्छी दुल्हन बन ही नहीं सकती। वैसे तेरे ससुराल वालों की पसंद भी बहुत अच्छी है। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस शादी की जोड़े की बात कर रहा हूँ जो वो लाए हैं। विनीता, विनीता जल्दी कर, इतना समय क्यों लग रहा है? हाँ बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चाय भी लेकर जानी है। सोनू तू नाश्ता लेकर आ जाना। हाँ आ जा सोनू, जल्दी करना। काम करते हैं, जल्दी से डेट फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हमारी हो जाए, क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अशोक जी आपकी दोनों बेटियाँ नहीं आई? वो कह रहा था कि भाई साहब उन दोनों के बच्चों के ना एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन शादी पे आएंगी ना वो। अच्छा अच्छा ये क्या घटियापन है? क्या हुआ बहन जी? चूड़ियां पहनता है ये लड़का है कि लड़की? नहीं नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है? हाँ आप बहन जी बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। चूड़ियां मर्द पहनते हैं? कैसा बेटा है आपका? अगर आपका बेटा ऐसा है तो आपकी बेटी भी ऐसी होगी। नहीं करना हमें ऐसे घर में शादी, चलिए। आप तो सुनिए। अरे अशोक जी क्या सुने, जो सुनना था वो सुन लिया, जो देखना था वो देख भी लिया। चलिए ये क्या फूस चबा रहा तेरे ऊपर औरत बनने का? लड़का है तू, लड़का। कितनी मन्नतों से तीन लड़कियों के पास पैदा हुआ है तू। अगर मुझे पता होता ना कि तू बड़ा होकर लड़की बनेगा तो तुझे जन्म लेते ही मार देता मैं। बाबा मुझे भी तो समझिए ना। कुछ नहीं समझना मुझे, मर्द है तू मर्द। उन्हें मेरा वंश आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएगा तू? कितना इंतजार था मुझे बेटा पैदा होने का और उसी चक्कर में तीन तीन बेटियां पैदा हो गई। और जब तू पैदा हुआ ना तो मैं सारे गम भूल गया था, तूने मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए आप इसे, भगवान के खातिर इसे छोड़ दीजिए। तब तुम्हारा किया करा है, कैसा बच्चा पैदा किया है? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, समझा दो इसको। मैं समझा दूंगी इसे, मैं समझा दूंगी। इधर उठ जा। सॉरी विनीता, मेरी वजह से तुम्हें। विनीता चल जल्दी से गर्म पानी और तौलिया ले आ फटाफट से। माँ बाबा को समझाओ ना। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ। हाँ तू जैसा भी है ना, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। पर बेटा तेरी माँ होकर भी मैं तेरे बाबा को बिल्कुल नहीं समझा सकती हूँ। और तुझे पता है ना कि मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुझे कैसे समझाऊँ कि मैं किस तरह से बुरी फंसी हूँ?
मुझे बिल्कुल देखा नहीं जाता जब वो तुझे इतना मारते हैं। बिल्कुल माँ, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा, चाहे बाबा मुझे कितना भी मार ले। सोनू, तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मार खाते वक्त तुम्हारे चिल्लाने की आवाजें मेरे घर तक आती हैं। कितनी बार सोचा कि आऊं, आज रहा नहीं गया तो आ गया। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, मैं ऐसी झूठी जिंदगी नहीं जी सकता। हम बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझता हूँ, लेकिन घर वाले कभी नहीं समझेंगे। ना समझे, ये समाज हमें ना ही समझा था और ना ही समझेगा। तो क्या करना है? मुझे लड़की बनना, ऑपरेशन करवाना। लेकिन तुम्हारे घर वाले? वो अभी भी यही बोल रहे हैं और आगे भी यही बोलेंगे। वो इसी समाज का हिस्सा है तरुण, तुम्हें क्यों अपनी इच्छाओं को दबाओ? कितनी पीढ़ियां उजड़ गई और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम गलत नहीं है और ये हमारा भगवान जानता है। सही कहा तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इसमें बहुत पैसे लगे और ऐसा मैं दूंगा। तुम मेरा कितना साथ दे रहे हो, और ऐसा तो एक जीवन साथी ही करता है। मुझसे शादी करोगे? हाँ, कब करनी है शादी ये बोलो। अभी? लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह सजना चाहती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होके मुझे यहीं पर मिलो, मैं भी तुम्हारे लिए दूल्हे की तरह सज के आता हूँ। सोनू? सोनू नहीं, सोना। तुम्हारी सोनू कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत। मन करता है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं। ये हमारी प्यार की निशानी है। चूड़ियां तेरे नाम की। लैंगिक अवसाद यानी कि जेंडर डिस्फोरिया, ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान को लगता है कि वो गलत शरीर में कैद है। लड़के को लगता है कि उसे लड़की होना चाहिए था,
और लड़की को लगता है कि अगर वो लड़का होती तो सही होता। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सोनू भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था। अफसोस की बात तो यह है कि आज भी हमारा समाज ऐसी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। सोनू भी इसी समाज का हिस्सा था और शायद कोई नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। इसीलिए सोनू ने अपनी भावनाओं के लिए एक कदम उठाया जो कि सही था। अब देखना यह है कि सोनू ने जो कदम उठाया उसके प्रति समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या समाज सोनू और तरुण के रिश्ते को स्वीकार करेगा। बाबा, माँ, मैंने तरुण से शादी कर ली है और हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तुझे मैं अपनी शान समझता था, लेकिन आज आज तूने सारे समाज के सामने मेरी नाक कटवा के रख दी है। आपको अपने बेटे से ज्यादा समाज की पड़ी? बाबा मुझे तो समझिए, मैं भले ही ऊपर से लड़का हूँ पर मेरे अंदर से एक औरत ने जन्म लिया, और अगर मैं औरत नहीं बनता बाबा तो खप का आत्महत्या कर चुका होता। तो कर लेता आत्महत्या, या फिर तेरे पैदा होते ही मैं तेरा गला घोट देता। एक तो तीन तीन बेटियां और ऊपर से तू, ये श्राप लगा है इन बेटियों की वजह से मुझ पर। अब तू इसके शादी होना भी मुश्किल है, बोझ बनकर बैठी रहेगी मुझ पर। कैसे पिता है आप? बेटियों को आप बोझ कहते हैं, बेटे को आप समझते नहीं है। चुप कर, समाज सुधार का काम करता है ना तू, तो सबसे पहले तो तुझे सुधारने की जरूरत है। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे पति को नहीं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे समझा है। आप भाई साहब बुरा मत मानना, लगता है आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इलाज करवाना था इसका जब आपको पता चला था। अब कुछ नहीं हो सकता, देर कर दी आप लोगों ने। ऐसा बेटा होने से अच्छा है बेटा हो ही नहीं। सही कहा उन्होंने, चला जाए यहाँ से। मर गया तू मेरे लिए, अगर दोबारा इस चौखट पे लौट के आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। एक मिनट, बस अभी आया। भाई नई नवेली दुल्हन को गृह प्रवेश के बिना कैसे आने दें? हाँ अब प्रवेश करो। अब हुई रस्म पूरी? नहीं,
अभी एक रस्म और भी बाकी। यहां बनाओ चूड़ियां ताकि ये मेरे शरीर के साथ जुड़ी रहे, मेरे साथ रहे, तुम्हारे हाथों से बने हुए। सोना, सोना मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। अब देर हो रही है मुझे, जल्दी नाश्ता लगाओ। इतना गुस्सा क्यों? हाँ क्या हुआ? होना क्या है, माँ का फोन आया था, उन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया मुझसे। सोचा था आज तुम्हें घर लेके जाऊंगा आशीर्वाद लेने, लेकिन वो लोग मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अब थोड़ा वक्त दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज यार, मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, और खराब मत करो। जाओ, जाके नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। अच्छा ठीक है। ये क्या है? ये जला हुआ खाना। 3 महीने हो गए तुम्हें खाना बनाना नहीं आता अभी तक। तुम ही खाओ इस जले हुए खाने को। सॉरी जान, चलिए मैं खिला देती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं चाय पी लेता हूँ बस। ये क्या है? अरे एक औरत तो कम से कम चाय बनानी तो आनी चाहिए ना। अभी अभी तो औरत बनी हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। तुम ही खाओ ये जला हुआ खाना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, आजकल जमाना ठीक नहीं है। ओए क्या कर रहा है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या? दूसरे की बीवी को उतारता है? हाँ? निकल यहां से, चल निकल। हाँ भाभी जी बताइए क्या बांध दे। टमाटर कैसे? टमाटर बस 15 रुपए किलो भाभी जी। ठीक है, आधा किलो ये भी कर दीजिएगा। सर भाभी जी रोज हमसे ही सब्जियां लेके जाया करिए आप, आपको अलग से डिस्काउंट देंगे हम। हाँ आज के लिए ये चुकंदर फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ हाँ भाभी जी, ये शुक्रिया बोलकर दिल मत तोड़िए हमारा। सिर्फ भाभी जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी पूछिए, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हम सोच रहे थे कि ये रखो अपने पैसे। ए भाभी जी सुनिए तो सही, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों आए हो यहाँ? माँ आप लोग मुझसे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, जब से तुम्हारे हरकतों के बारे में पता चला। बेटा तेरे पापा ने और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे। तुम्हारी शादी होगी, तुम हमें पोता पोती का सुख दोगे, लेकिन तुमने हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। माँ मैं दूंगा आपको पोता पोती का सुख। कैसे? जिसके साथ तूने मुंह काला किया है वो देगा तुझे बच्चा? बेटा तू चाहे जितने ऑपरेशन करा ले, उसे औरत बना ले, लेकिन वो तुझे कभी बच्चा नहीं दे पाएगा।
और ना ही तुझे बाप बनने का सुख दे पाएगा। इतना सज धज के कहाँ गई थी? सब्जी लेने। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? वो सब्जी वाला इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था। कैसी बात है? आप तुझे मना किया था मैंने, घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुझे तो मर्दों की ऐसी बातें सुनने में मजा आने लगा है ना। जब से औरत बनी है तब से मर्दों को आकर्षित करने में लगी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? और मैं क्यों पराए मर्द की चाह रखूंगी? तो क्यों बाहर गई थी? सब्जी का बहाना मत दे। सुबह इंटरनेट पे मैंने आपके लिए रेसिपीज देखी थी, सोचा आपके लिए खाना बनाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे। सुबह भूखे पेट चले गए थे तो इसलिए सब्जी लेने चली गई। देखो देखो, जो भी हो तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, बस। अरे यार सोना, बर्फ और सोडा लेकर आओ। अभी आई। इतना वक्त लगता है बर्फ और सोडा लाने में? हाँ? मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। तो चल बैठ के शराब पी मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं पी सकती, डॉक्टर ने मना किया है कुछ वक्त के लिए। तेरा पति मैं हूँ या वो डॉक्टर? मेरे पेट पे बहुत दर्द है, मैं लेटने जा रही हूँ। अरे बैठ, तेरा उस डॉक्टर से चक्कर चल रहा है ना? पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है। मुझे या तुझे? अरे तेरा पति हूँ मैं। ये मांग में सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियाँ, ये सब मेरे नाम की हैं। तो तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। ये ले शराब पी। नहीं नहीं, घर में शराब नहीं पी सकती। क्यों? बच्चे का सुख तो मुझे दे नहीं सकती। तो किस बात का परहेज? तरुण, मेरे शरीर पे इतना बड़ा बदलाव आया है तो वक्त तो लगेगा ना। और वैसे भी आप पहले से ही जानते थे कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन तरुण, हम बच्चा गोद तो ले सकते हैं। क्यों लूं बच्चा गोद में? क्यों लूं? अरे मर्द हूं मैं, मर्द है, अपना बच्चा पैदा कर सकता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम यह है कि तू मुझे मेरा बच्चा नहीं दे सकती। नहीं तो आप भी। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर? तरुण, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तरुण प्लीज, नहीं तरुण। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी घर आइए, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, आ रहा हूँ। आ,
क्या कर रहा है यहाँ पर? आज के बाद इस गली में दिखाई दिया ना तो तेरा वो हाल करूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। निकल यहाँ से, निकल। तरुण प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। चलन पराए मर्दों को गंदे गंदे इशारे करती है, पति पुरा नहीं पड़ता तुझे? मैं जब पास आता हूँ तो पेट दर्द का बहाना करती है, हाँ? और वैसे मर्दों को रिझाती है तू? नहीं, नहीं। सब समझता हूँ मैं, लेकिन याद रख तुझे औरत बनाने के लिए मैंने पैसे दिए थे। आज के बाद दूसरे मर्दों से बात करने की बात तो बहुत दूर रही, तू उनकी तरफ देखेगी भी नहीं। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बोलो माँ, आप प्लीज कुछ खा लो ना। सुनिए जी, आप ना हमें उससे एक बार मिलने दीजिए। आप कहेंगे ना हम उसे घर पर भी नहीं बुलाएंगे, हम दोनों खुद जाकर उससे मिलकर आएंगे। हाँ देखिए, आप मान जाइए, बहन की शादी है, अगर इकलौता भाई शादी में नहीं होगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? गलती से भी ना उसको यहाँ मत बुला लेना। बाबा प्लीज एक बार सोनू से मिलने दो ना, शादी के बाद पता नहीं उसका चेहरा कभी देख भी पाऊंगी या नहीं, प्लीज ना बाबा। ठीक है, लेकिन तुम उसको वहां जाकर मिलना, लेकिन एक बात याद रखना, शादी में वो यहाँ नहीं आना चाहिए। तरुण सुनो मेरी बात, तरुण सुनो, मुझे ऐसे बंद करके मत जाओ। ये जरूरी है क्योंकि मुझे ना भरोसा नहीं है तुझ पर, कहीं भी मुंह मारने निकल जाएगी तू। मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। चुप कर, तू ना इसी लायक है। बेटा यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तू सोनू को फोन कर। हाँ माँ। हेलो सोनू, कहाँ है तू? मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई थी, माँ भी साथ में मेरे। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? और हाँ, कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने आने की, ले जाओ अपनी माँ को वापस यहाँ से। और एक बात ध्यान रखना, आइंदा मेरे घर के आसपास कदम भी मत रखना। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मैं तो तुझसे मिलने तेरे घर आई थी क्योंकि मेरी शादी हो रही है, पता नहीं उसके बाद मैं कभी मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, जाकर ले जाके शादी। माँ मुझे फोन दे। हेलो सोनू बेटा, फोन काट दिया इसने। सोना, सोना जी आई जी। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं स्पेशली तुमसे मिलने, और हाँ आज रात का खाना वो यहीं खा के जाएंगे, ठीक है? और हाँ उनके सामने ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है, खाना रखना और चुपचाप कमरे में चले जाना ऊपर, और खाना मैं बाहर से ऑर्डर करूंगा। तुम्हारे हाथ का सड़ा हुआ खाना खिला के अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है मुझे। वो सही था। वो सही आ गया था यार उस दिन तो। सोना पानी लेके आओ।
माने लो भाई। अरे वाह तरुण, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। क्या खूबसूरत बीबी लेके आए। अरे यार तरुण, तेरी जैसी बीबी मुझे मिल जाए ना, मेरी तो किस्मत ही पलट जाए। हीरोइन बन गया क्या जरूरत थी? मैं बहुत मजा आ रहा था टच करने में। प्लीज प्लीज तरुण, अब मैं तुझे असली मजा चाहता हूँ। नहीं प्लीज तरुण, प्लीज तरुण ऐसा मत करो। वैसे नहीं मानेगी। जब तक तुझे पूरा मजा नहीं दूंगा। तरुण प्लीज मेरे हाथ मत बांधो। तरुण मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? कभी तो देखा तेरा प्यार मैंने। तू ना यही चढ़। नहीं तरुण, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर। तरुण मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तरुण प्लीज। नहीं तरुण, सोनू की जिंदगी उन औरतों की तरह हो चुकी थी जो अक्सर घरेलू शोषण का शिकार होती है। तरुण का रवैया उसके प्रति पूरी तरह से बदल चुका था। वो सोनू पर हावी हो चुका था। हालांकि उसने सोनू को सहारा दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आता जा रहा था। उसने सोनू से शादी का वादा किया था, लेकिन इसी फैसले को लेकर अब वो अपना आपा खोता जा रहा था। तो क्या इसका मतलब है कि वो सोनू पर जुर्म करता? तरुण ने जो कुछ भी किया था वो उसका खुद का फैसला था, इसीलिए उसको कोई हक नहीं बनता था कि वो सोनू पर जुर्म करे। अब देखना यह है कि क्या सोनू तरुण के जुर्म से बच पाएगा और क्या समय रहते तरुण को यह एहसास होगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आइए देखते हैं। चले पानी पी। तरुण प्लीज मेरे हाथ खोल दो ताकि तू जाके अपने उस यार से मिल सके। हा? मेरे साथ ऐसा मत करो। देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुझे मारना, लेकिन क्या करूं, उंगली टेढ़ी करके समझाना पड़ता है। देख देख सुधर जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सुधर जा। मेरे पास तुम्हारे शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और प्लीज मुझ पे शक करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में जाके करूंगी। पुलिस के पास? जाएगी? क्या कहेगी पुलिस वालों के पास जाके? कि तेरा पति तुझ पे जुल्म करता है, मारता है तुझे। ऐसा ही तुझ पे वो, क्योंकि उनके हिसाब से तू ना अभी तक मर्द है। मर्द तेरी कोई नहीं सुनने वाला है, उल्टा तुझे अंदर कर देंगे वो। हाँ देख देख, मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। एक तेरे हाथ में अगर अभी से रहेगी ना तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर तू नहीं सुधरेगी तो मुझे पता है कि तुझे कैसे सुधारना है।
तेरी इतनी हिम्मत, तो यहां तक आ गया। ये भाभी जी की साड़ी। ये तेरे पास कहां से आई? ये वो हवा से उड़ के गिर गई थी, तो मैंने सोचा दे दूं। सोना, ये साड़ी इसके पास कैसे आई? ये साड़ी तो मैंने छत पर। अच्छा, तो छत पर सोई थी इसके साथ में? हाँ, ऐसा नहीं है। चुप, तो निकल यहां से, निकल। तो चल अंदर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो प्लीज। तरुण प्लीज, जवाब नहीं मिलता चाहता हूँ। तरुण प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। तरुण नहीं, तरुण बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर। तरुण मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तरुण प्लीज, नहीं तरुण। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? तरुण, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तेरी तो तरुण, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा, मुझसे मन भर गया तो अपने उस यार के पास जा रही है क्या? तुम्हें जो समझना है वो समझो। ए, ऐसे कैसे जा सकती है तू? तुझ पे मैंने पैसा खर्चा किया है, तेरे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, इतना सब कुछ किया मैंने तेरे लिए, तेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, समझे? तो तुमने मुझे क्या खरीद लिया है? तुमने जो किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी मर्जी से किया, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, समझी? फिर तो क्या समझते हो तुम? हाँ, तुमने मुझे खरीद लिया है। अरे, प्यार करती थी मैं तुमसे और सोचा था कि तू भी मुझसे प्यार करता होगा,
लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स कभी समझी नहीं तरुण। मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, मैं औरत बनी तो तुम मुझ पर हावी होने लगे और मुझे हर वक्त जताते रहते हो कि ये मर्दों का समाज है। हाँ, और मर्द जैसे चाहे वैसे औरत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तेरी वजह से, तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप, अपनी बहन तक को छोड़ दिया। तुम सब मर्द एक जैसे हो जो औरत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। घुटन होने लगी है मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते हैं। मैंने तुम्हें अपना समझा, पर तुमने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मैं गलत थी तरुण कि मैंने तुझ जैसे घटिया इंसान पर भरोसा किया। अरे तुम तो भरोसे के काबिल तक नहीं थे। अब हमारे बीच जो भी था, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब तुम मुझे यहाँ से जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, समझे? समझे? पुलिस स्टेशन? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को आपने मारा है, आपने। मेरा सोनू, मेरा बेटा, आप इसके मौत के जिम्मेदार हो आप। सोनू और सोना की जान सिर्फ तरुण ने नहीं ली, बल्कि इसके पीछे उसके परिवार वाले भी कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की भावनाओं को समझा ही नहीं। उन्हें उसकी भावना महज एक बीमारी लग रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या सोनू अपने जज्बातों को अगर अंदर दबाकर रखता तो क्या उसकी जान चली जाती? जी हाँ, उसकी जान तब भी चली जाती क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मरता रहता। आज भी हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने सोनू हैं जो घुट घुट कर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम इस भावना को समझ नहीं सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते, तो इस भावना को धिक्कारने का भी हमें कोई हक नहीं है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।